मैं अपना व्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग से। और अभी हर्षित के स्कूल का टाइम है और ये रात में ही कट करके और उसको अच्छे से धो करके कट करके रात में ही डिसाइड करके कि सुबह क्या बनेगा, सब कुछ डिसाइड करके और फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद में सुबह बस मुझे छोंकना रह जाता है। तरह से ना पीस के रख लिया है, घर में चीनी नहीं है। और ये वो करवा है जो है ना करवा चौथ पे ना देवरानी ने दिया था ना, तो वो वाला करवा है जिसको मैंने पीस करके इस तरह से रख लिया है, क्योंकि अब इनके लिए भी बनाऊंगी दूध चाय तो तब भी चाहिएगा, तो इसलिए इस तरह से पीस के रख लिया है। और मेरी तो सर्दियाँ आ गई हैं सुबह के टाइम, तो सच में सुबह और शाम तो ठंड लगती है। और आजकल तो यहाँ आगरा का ऐसा मौसम है कि दिन में भी ना धूप हल्की हल्की सी निकलती है। सोच रही थी कि गर्म कपड़े निकालूं और फिर उनको धूप लगाऊं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। तो इन्हीं भागम भाग और हाबड़ ताबड़ के साथ में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। तो बस हर्षित के लिए अभी दूध गर्म किया है, उसको देकर के आई हूँ और अब इसको फ्रिज में रख रही हूँ। बाहर रखूंगी तो चींटियां हो जाएंगी, वैसे विंटर्स में शायद ना भी हो, लेकिन चांस क्यों लेना। ओके दोस्तों, सुबह के बाद में मिल रही हूँ अब। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30-10:15 ऐसे कुछ हो रहे हैं, और मैं अभी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए आई हूँ। और आज हम बनाएंगे बैंगन आलू, और बैंगन आलू मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कुकर के अंदर। कढ़ाई में ही बन जाते हैं, लेकिन वही है कि कुकर के अंदर जल्दी बन जाते हैं, टाइम बच जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है और गैस भी सेव हो जाती है। और साथ में कुछ सब्जी वगैरह है उनको भी देखा देखी करेंगे, क्योंकि एक आलू बैंगन बना लूंगी और एक आलू मेथी बना लूंगी, दोनों सब्जी हो जाएंगी। तो आलू बैंगन थोड़ी लिपड़मा टाइप बनाऊंगी और मेथी तो सूखी बनेगी। और पालक को है जो है वो बॉईल करके रख दूंगी, क्योंकि काफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना बहुत जल्दी से खराब हो जाती है, और मेरे ये कितने शाइन कर रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग और लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कुकर के अंदर, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला है जीरा और हींग, उसके बाद में आपको प्याज डालना है अगर, और साथ में ना लहसुन भी डालना है अगर आपके पास में लहसुन है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, और अगर मेरे पास है ना एक्चुअली टमाटर नहीं है, अगर टमाटर हो तो टमाटर भी ज़रूर डालिए, और प्याज के बाद में फिर उसके बाद में मसाले ऐड कर दीजिए। मसाले ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे आलूओं को डाला है मैंने, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ी देर में कुक होते हैं और बैंगन जो है वो जल्दी कुक हो जाते हैं। तो आलू को थोड़ी सी देर भून लेने के साथ में, बाद में मसालों के साथ में, उसके बाद में मैंने बैंगन डाल दी थी हाथ के हाथी, और साथ ही नमक डाल दिया है। और जो ये है ना इसका मॉइस्चर बैंगन का और टमाटर का, इसी में ये कुक हो जाता है, क्योंकि मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और इसके बाद में बस हम इसके अंदर 2 सीटी ले लेंगे। तो बस इस तरह से है ना ये जो बैंगन है बहुत ही अच्छे से बनते हैं और बहुत ही मसालेदार बनते हैं और लिपटमा टाइप बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को भी खोल लिया है, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा, वैसे लिपटमा ही बना रही हूँ मैं, लेकिन इतना भी लिपटमा नहीं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर इसके अंदर कुकर को है ना गैस के ऊपर वापस से रखूँगी ताकि पानी जो है वो सूख जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं 3-4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्ची का जो फ्लेवर होता है ना ऊपर से डालो तो अलग ही आता है, छोंकते समय डालो तो उसका अलग फ्लेवर आता है, ऊपर से डालो तो उसका फ्लेवर अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियाँ भी ऐड कर दी हैं, और थोड़ा सा दबा दूंगी आलूओं के बीच में ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में इसे कुक होने देंगे थोड़ी सी देर ताकि थोड़ा सा पानी सूख जाए। और उसके बाद में फाइनली इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। ये मेरे पास अदरक है, एक्चुअली रात को ही मैंने इसे ना धो करके और अच्छे से रात भर के लिए ना ड्राई करने के लिए रख दिया था इस बास्केट के अंदर ही। और अब है ना एक डब्बे के अंदर एक कागज़ बिछा करके और उसके ऊपर इनको रख रही हूँ ताकि काफ़ी दिन तक ये चल जाती हैं अदरक। और अदरक तो ऐसी हैं कि अगर साफ़ करके और इस तरह से रख दो ना तो ये ड्राई भी हो जाती है ना, तब भी ये ठीक रहती हैं। कागज़ लगाना नेसेसरी है क्योंकि ना इससे जो मॉइस्चर निकलता है ना तो फिर वो ख़राब नहीं होती हैं अदरक, अदरवाइज़ ये ना ख़राब हो जाती हैं।
तो इसलिए मैं इसके अंदर ना कागज़ लगा करके, और ऊपर से भी आप कागज़ लगा दीजिए या फिर ना टिश्यू पेपर आते हैं ना उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो स्कूल के जो हर्षित की पुरानी कॉपियाँ होती हैं ना उनके कागज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी उसी तरह से वर्क कर जाते हैं और थोड़े गीले से होते हैं ना, तब मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना ये मेथी और पालक भी रखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार चेक कर रही हूँ कि ये ख़राब तो नहीं हुआ है। अगर ख़राब हुआ है तो मैं पालक को बॉईल करने के लिए रख दूँगी और जो मेथी है उसको भी बना लूँगी, और अगर ये सही है तो फिर आज नहीं बनाएंगे, कल बना लेंगे, क्योंकि आलू बैंगन का जो ये लिबड़मा सब्ज़ी है ना, ये सब खा लेते हैं हमारे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ना देख रही थी कि अगर ठीक है तो नहीं तो बॉईल करके रख लेती हूँ। तो पालक है ना थोड़ा थोड़ा सा है ना फ्रेश नहीं लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा है ना सूख जाता है ना, मतलब ऐसा हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि इसको धो करके और बॉईल करके रख देते हैं, क्योंकि बॉईल पालक तो है ना ख़राब नहीं होता है, लेकिन ऐसा पालक होता है ना इसके अंदर कीड़े लगने का डर रहता है। अभी बस मैंने चेक किया था इसलिए ही, क्योंकि साफ़ करने के बाद में भी है ना क्या होता है कि है ना कीड़े लग जाते हैं, गिंडार विंडार सी होती है ना वो लग जाती हैं, तो इसलिए मैंने ना उनको चेक किया, उसके बाद में इसको वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद में इनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ कुकर में। अच्छा, मुझसे ना कोई पूछ रहा था कि ना मैं कितनी सब्ज़ी बनाती हूँ, एक सब्ज़ी बनाती हूँ, दो सब्ज़ी बनाती हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि मैं क्या सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे कई बार होता है कि ना मैं ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ जो हर्षित को नहीं पसंद है, तो फिर मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती है हर्षित के लिए, और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही सब्ज़ी खा लेते हैं एक ही, तो फिर मैं एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इस तरह से रहता है कि मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी सब्ज़ी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक दो या कभी कभी तो तीन भी हो जाती है, रायता हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि ना क्या सब्ज़ी बन रही है। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है कि मेथी आलू की सब्ज़ी भी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ जीरा तेल गरम किया, उसके बाद में जीरा डाला, हरी मिर्ची डाली, मसाले डाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इनको भुना, उसके बाद में मेथी और आलू को ऐड कर दिया और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर मैं नमक जो है वो थोड़ी देर से डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि मेथी जो होती है ना वो पानी को रिलीज़ करती है, मॉइस्चर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से मेथी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, बाद में डालेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा जब। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि पानी रिलीज़ हो गया क्या, और मॉइस्चर जो है वो निकल गया था, तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है मिला करके और अच्छे से, और थोड़ी सी देर और कुक होने देंगे, और फाइनली इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और खटाई, और इस तरह से जो है मेथी आलू की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाती है। चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया, और टाइम देख लीजिए 5:30 हो रहे, और ये समय आए नहाने के लिए, नहाने आए, ये नहाने ये नहा करके आएंगे, इतनी देर में मैं जो है खाने की तैयारी कर लूँगी, मतलब खाना तो रेडी है, लेकिन है ना रोटियां मैं गरम ही सेकती हूँ, तो इस तरह से जो है टिफ़िन में ना आटा रख देती हूँ, क्योंकि इनके चक्कर में वरना पूरा दिन किचन मेरा फैला ही रहे, अगर मैं इनके भरोसे रहूँ ना कि ये रोटी खा लेंगे और खाना खा लेंगे उसके बाद में मुझे किचन समेटना है, तो मेरा किचन है ना पूरा ऐसे ही फैला ही रहे, लेकिन मैं फिर इस तरह से रख देती हूँ ताकि मेरा किचन फैला फैला ना लगे। तो चलिए इनके लिए खाना जो है वो सेक लेती हूँ, जब तक ये नहा करके आएंगे तब तक रेडी रखूँगी प्लेट, जिससे कि ये आते खा लें और फिर चले जाएं, नहीं तो अगर खाना तैयार नहीं होगा तो पता है आपको ये भाग जाएंगे ऐसे, कुछ भी खा के नहीं जाएंगे, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा है ना सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों, और ये कैप वाली है ना तो ये थोड़ा ऐसा ही रहता है, ये लास्ट ईयर का स्वेटर है, आप लोगों ने देखा ही है।
तो प्लेट तो मैंने लगा लिया यहाँ पर, जैसे ही ये आएंगे वैसे ही मैं रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दूंगी। लोई भी बना करके तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, ऐसे ही करती हूँ हमेशा ही डेली ही। जैसे ये आए तो आते ही खा के और चले जाएं। और आजकल है ना शाम कितनी जल्दी हो जाती है ना, मतलब अंधेरा तो ये देखिए कि ना 5:30 बजे तो ऐसा लगने लग जाता है कि कितनी रात हो गई है। 6 बजे तक तो पूरा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि शाम की आरती कर दूँ मैं। और एक दिन तो मैंने ना जब थोड़ा मैंने ध्यान नहीं करा और मुझे 6:15 बजे ऐसा अंधेरा लग रहा, मैंने 6:15 बजे ये ना आरती कर दी। फिर मैं बोली कि यार 6:15 बजे तो अभी मंदिर में भी आरती नहीं हुई, चलो हो गई सो हो गया। तो भगवान को जब करानी होती है जब वो करा लेते हैं, जैसी पूजा करानी होती है उनको वैसी करा लेते हैं। जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है क्योंकि जब भी मुझे देखते हैं ना, तो अगर मेरे फेस पर ना बिंदी और लिपस्टिक और काजल नहीं होता है ना, ये मुझे जरूर टोकते हैं हमेशा। इनकी पता नहीं क्या आदत है, इनको मेरी बिंदी काजल और लिपस्टिक से ही प्यार है पता नहीं। और चाहे मैं कुछ लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए। इनको ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती है होता है ना किसी हस्बैंड को लगता है कि ना लिपस्टिक लगा के रखे अच्छी अच्छी, या फिर बंधन के रहे। इनको ये नहीं है कि बंधन के रहूं, लेकिन हाँ ये है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं लिपस्टिक और बिंदी तो कम से कम लगा के रखूं, काजल भी चाहे ना लगाऊं क्योंकि काजल मेरा इधर उधर हो जाता है, इनको पता है। यार ये कौन सा टाइम है, आपका तो डेली का ही हो गया है। क्या क्या पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो जल्दी नहाते हैं कि धूप में नहाते हैं कि सर्दी में शाम को नहाते हैं? कल से तो मैं सुबह जल्दी पानी गर्म कर दूंगी, आप जाओगे ना तब। मैं तो मेरी तो बोलो ही मत, मैं तो मैं 7 बजे तो बाथरूम में से निकल आती हूँ। अगर मैं जरा भी लेट हो गई ना तो हर्षित भी लेट हो जाएगा। ये देखिए 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 देखिए, मेरी तो सुनते नहीं है, आप ही बोल दीजिए कुछ कि जल्दी नहा लिया करें और विश्वास नहीं हो तो देखो शाम के 5:30 हो रहे, बाहर की ना लाइट भी जल गई है। और ये देखिए इनका खाना हो रहा है क्यों लेट क्यों खा रहे हो खाना बताओ। आप तो डेली यही बोलते हो। तो चलिए हमारी तो इसी तरह से चलती रहेगी नोकझोंक, और यही है शादीशुदा लोगों की जिंदगानी। तो इस वीडियो को बस मैं इतना ही रखना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और यहाँ पे हो रही है हर्षित की पढ़ाई।